हेलो बच्चों, तो वेलकम टू द डाउटनेट। डाउटनेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं आपके टर्म टू का सर्कल, टर्म टू के क्लास टेंथ का जो चैप्टर है सर्कल्स, उसका हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। और ऑल इन वन शॉट पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक लेक्चर में कवर होने वाला है। और इस लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो जो बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव पैटर्न, जैसे कि आपको मालूम है कि सीबीएसई का जो लेटेस्ट टर्म टू का पैटर्न है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, तो सब्जेक्टिव पैटर्न पर बेस्ड ये पूरा लेक्चर होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो जल्दी से सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक टर्म्स के साथ स्टार्ट करेंगे। हम सभी ने आपने प्रीवियस क्लासेस में सर्कल्स के बारे में पढ़ा होगा कि सर्कल्स होता क्या है। सबको मालूम है ना कि भाई एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर बोलते हैं, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक जो प्लेन फिगर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो ये फिक्स पॉइंट आपका सेंटर हुआ और ये फिक्स डिस्टेंस आपकी क्या होती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये बेसिकली सर्कल के बारे में हम सभी को पढ़ के आए हैं, सबको मालूम है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, तो ये तो बेसिक सी चीज थी। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, इस चैप्टर में आप दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में समझते हैं। एक तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की है वो है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सर्किल के टेंजेंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। टेंजेंट वो एक बोल सकते हैं कि एक ऐसी लाइन जो सर्किल को केवल एक यूनिक पॉइंट पर टच करती है। ठीक है बच्चों, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को केवल एक यूनिक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, इसके अलावा कहीं टच नहीं कर रही। एक लाइन जो सर्किल को केवल और केवल एक पॉइंट पर टच कर रही है ना, उसको हम बोलते हैं आपके पास क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है बच्चों, और एक दूसरी लाइन अगर मैं बात करूं जो सर्किल को एक से ज्यादा पॉइंट पर टच कर रही है, सिंपल सी बात कि एक लाइन है सर्किल को फिर दो पॉइंट पर टच करेगी, तो बच्चों उस लाइन को हम क्या बोलते हैं आपका, सीकेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में आप अगर मैं बात करूं तो स्पेशली हम टेंजेंट ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे कि आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन वाला जो एक चैप्टर है उसमें भी किसी सर्किल पर एक्सटर्नल किसी पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करना, वो कंस्ट्रक्शन भी आपके टर्म टू का ही पार्ट है। तो वो कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम टेंजेंट उससे रिलेटेड थ्योरम्स और डेफिनेशन के बारे में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो टेंजेंट क्या होता है क्लियरली समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां पर, सिंपल है ना। चलिए अब जैसे कि बात करें बच्चों, तो जैसे कि यहां पर कुछ टर्म्स है कि आपके पास फॉर एवरी गिवन सीकेंट, कोई भी आपके पास सीकेंट गिवन है बच्चों, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स। ठीक है, हर एक सीकेंट के रिस्पेक्ट में दो ऐसी टेंजेंट्स का पेयर आपको मिलेगा बच्चों, विच आर पैरेलल टू इट एंड टचेस द सर्कल एट टू डायमेट्रिकल एंड। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बोला जाए कि दो पैरेलल टेंजेंट्स है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो जो टेंजेंट्स है ना वो सर्किल के डायमेट्रिकल एंड पर होंगे। कहां पर होंगे बच्चों, सर्किल के डायमेट्रिकल एंड पर, यानी कि जो सर्किल का डायमीटर है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट कैसे होंगे बच्चों, वो टेंजेंट आपके पैरेलल होंगे। ठीक है, तो कभी भी पैरेलल टेंजेंट की बात करेंगे तो समझ जाइएगा कि उनके बीच की डिस्टेंस उसके डायमीटर के इक्वल होगी। क्लियर है, चलिए। उसके बाद बच्चों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर की आ गई आपके सामने। इस थ्योरम में क्या बोलते हैं इसको बच्चों ध्यान से समझते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, सर्किल के किसी भी पॉइंट पर, ऑन द सर्किल मतलब कि सर्किल पर कोई पॉइंट होना चाहिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां पर बात करें कि सर्किल का कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अब अगर सर्किल के सेंटर से इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है बच्चों, तो ये जो लाइन ओपी होगी ये क्या होगी बच्चों, इस पूरी टेंजेंट एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो आपके पास ओपी होगा ये क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू हमारे पास एक्स वाई, एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है,
ये सबसे पहली थ्योरम आपके पास यहां पर आती है। ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर क्यों है? सबसे पहली बात आप इसको ध्यान से ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए इस टेंजेंट पर कोई पॉइंट आपके पास ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट कहां पर लाई करता है? सर्किल के बाहर पर है, तो जो ओ एक्स होगा ठीक है वो ऑब्वियसली रेडियस से बड़ा होगा। ओ एक्स क्या होगा? रेडियस से बड़ा होगा। इसी तरीके से सभी पॉइंट आप लेते जाइए, तो जितने भी पॉइंट आपके पास है ये सब क्या है बच्चों? सर्किल के बाहर है। अगर मैं बात करूं तो एक ही ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पर लाई करता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये सबसे कम होगी। ठीक है, ये जो ओपी डिस्टेंस होगी अगर हम देखें तो इस लाइन पर एक्स वाई लाइन पर जितने भी पॉइंट है तो पी पॉइंट ऐसा होगा जो सेंटर ओ के सबसे करीब होगा, सबसे पास में होगा। ठीक है बच्चों, बाकी जितने भी पॉइंट आपके पास लाइन पर होंगे वो उसकी उस सेंटर से उनकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो ओपी डिस्टेंस है बच्चों ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये कैसी डिस्टेंस है बच्चों? ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और आपको मालूम है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट ओ हो गया, ये पी हो गया, और ओपी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी एक्स वाई लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। तो ये बच्चों हमारे पास पहली थ्योरम आपकी निकल करके आती है जो कि सर्किल के टेंजेंट पर बेस्ड है, कि सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये सर्किल के टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके पास सबसे पहली थ्योरम यहां पर निकल के आती है। क्लियर हो गया? यहां पर समझ में आ गया? कोई डाउट यहां पर? सिंपल, कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल, सर्किल पर कोई भी पॉइंट आप ले लोगे, देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। तो सर्किल के एक पॉइंट पर, सर्किल पर कोई पॉइंट है उस पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो हर एक पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर्किल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो सर्किल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगी। अ सर्किल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों टेंजेंट ऑफ सर्किल से निकल करके आते हैं कि कोई भी पॉइंट सर्किल पर लोगे उस पॉइंट पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल के लिए, तो इनफाइनाइट पॉइंट तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो गए। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेने। अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास जो कि टेंजेंट ऑफ अ सर्किल पर बेस्ड है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्किल की रेडियस बच्चों आपको क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर सर्किल की रेडियस दे रखी है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, लाइन को किसी पॉइंट क्यू पर बच्चों मीट करता है। सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। OQ हमारे पास कितना बच्चों? 12 सेंटीमीटर। Then find the PQ। आपको PQ की लेंथ यहाँ पर बच्चों बतानी है कि PQ क्या होगा। तो basically आपको मालूम है कि P क्या है? Point of contact है और XY line segment एक tangent है। तो definitely जो OP होगा वो PQ पर perpendicular होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक right angle triangle बन गया। क्या बन गया बच्चों? Right angle triangle। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप यहां पर बच्चों क्या लिख पाओगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम आप यहां पर देख सकते हो कि जो ओक्यू स्क्वायर होगा, ओक्यू स्क्वायर जो होगा बच्चों वो किसके इक्विवेलेंट होगा? ओपी स्क्वायर प्लस में पीक्यू स्क्वायर के। किसके होगा बच्चों? ओपी स्क्वायर प्लस में आपके पीक्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है? OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस में आपके पास PQ स्क्वायर। तो OQ की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपके पास 12 का स्क्वायर, और OP की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपके पास 5 का स्क्वायर, एंड PQ स्क्वायर हमें फाइंड करना है। चलिए, तो 12 स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 144 माइनस कर दो यहां पर 25 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, और 144 में से 25 माइनस करेंगे तो यहां पर 9 आएगा, 4 में से 2 यहां पर 119, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू 119। तो PQ इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमको PQ की लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ PQ। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक कर सकते हो।
एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से, क्योंकि आप मान के चलिए कि भाई सब्जेक्टिव पैटर्न आना जरूर है ना, लेकिन हमको थोड़ा बहुत इस चीजों को लेकर के प्रिपेयर भी रहना है कि आपको मालूम है कि क्राइसिस चलते रहते हैं, कोविड क्राइसिस टाइम पर चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही, तो माइट पॉसिबल हो सकता है ऐसा कि भाई आपका उस टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम आती तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये सिंपली कुछ वन मार्कर टाइप के क्वेश्चन आप एक दो कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये एक तो आपका चाहो तो डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा। तो ऑप्शन ये आपके पास स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर का राइट आंसर है। क्लियर हो गया बच्चों? तो पहली थ्योरम उस पर बेस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बच्चों नेक्स्ट में जो टर्म है वो ये है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। अगर मैं यहां पर बात करें, अब इसको थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि मान लो सर्किल के बाहर पर कोई पॉइंट है, ठीक है बच्चों, है ना। अब इसको थोड़ा सा चेंज, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड लिख दो, आउटसाइड ऑफ अ सर्किल, ठीक है, सर्किल से बाहर हो, ठीक है, सर्किल से बाहर पर पॉइंट लेकर के चल रहे। तो मान लो कोई पॉइंट आपके पास पी है, तो याद रखिएगा सर्किल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है तो उससे हम सर्किल पर केवल और केवल दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक टेंजेंट आपके पास PT1 होगा, दूसरा टेंजेंट आपके पास PT2 होगा, ठीक है बच्चों। तो एक्सटर्नल किसी पॉइंट से अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एक्सटर्नल किसी पॉइंट से सर्किल पर कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो PT1 एंड PT2 ये आपके दो टेंजेंट हो जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, क्लियर है। चलिए, तो इतने जोक्स में मेरा पेन भी नीचे गिर गया तो पेन उठा लेता हूं एक बार, चलिए ओके चलो अब आ जाओ बच्चों। तो ये समझ में आया। अब इस पर बेस्ड थ्योरम क्या है आपके पास, और अगर मैं बात करूं तो सैंपल पेपर में डायरेक्टली इस थ्योरम पर बेस्ड, इसी थ्योरम पर बेस्ड दो क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है बच्चों, दो क्वेश्चन, और सर्किल का अच्छा खासा वेटेज भी देखने को मिला है। तो भाई एक तो इस थ्योरम से जो प्रूफ है उस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन आपके पास बना है कि भाई ये दो एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन एक तो सैंपल पेपर में आपसे पूछा है, और दूसरा इसी थ्योरम पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। तो इस थ्योरम से दो से तीन क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में देखने को भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर इस चीज को मैं आपको समझाऊं तो ध्यान से समझिएगा कि एक पॉइंट पी है और एक सेंटर ओ का एक हमारे पास सर्किल है। हमने पॉइंट पी से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करे, एक टेंजेंट पी क्यू है, एक टेंजेंट आपके पास पी आर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें जो थ्योरम में प्रूफ करना है वो ये है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। हमें पहले तो ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो आपके पास पी क्यू है बच्चों वो पी आर के इक्विवेलेंट होगा, पी क्यू आपके पास पी आर के इक्विवेलेंट होगा। पहले तो ये चीज यहां पर हमें प्रूफ करनी होती, ठीक है बच्चों। पी क्यू क्या होगा आपके पास, पी आर के इक्विवेलेंट होगा। अब ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को आप ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक है बच्चों। एक अगर आप ध्यान से समझो कि सबसे पहली बात कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास राइट एंगल है, ये आपके पास राइट एंगल है, तो आप देख सकते हैं एक बार ट्राइंगल आपने ले लिया ओ क्यू पी, एक ट्राइंगल ले लिया आपने ओ क्यू पी एंड दूसरा ट्राइंगल आपने ले लिया ओ आर पी को, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल आपने ले लिया कौन सा, ओ आर पी। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं, ध्यान समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम इस थ्योरम के अलावा बहुत सारे रिजल्ट भी यहीं से निकालने वाले हैं कि भाई ओ क्यू पी ट्राइंगल एंड ओ आर पी ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझिएगा कि ओ क्यू पी पर क्या बनता है। सबसे पहली बात आपको मालूम है कि एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी दोनों ही 90 डिग्री के हैं, तो दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या बच्चों, दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ क्यू पी एंड ओ आर पी बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं, ध्यान समझिएगा, ओ क्यू पी एंड ओ आर पी बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ आपको मालूम है कि जो ओपी हमारे पास हाइपोटेनस है दोनों का वो कॉमन है, OP इक्वल टू OP दोनों में कैसी साइड है बच्चों, कॉमन साइड है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो तो जो OQ है वो OR के इक्वल है, दोनों रेडियस है, OQ इक्वल टू OR, तो
बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएगा क्या होता है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। पहली बात तो फुल फॉर्म ही बता दो, आरएचएस, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस एंड साइड। तो अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस सेम है, इक्वल लेंथ के हैं, और हाइपोटेनियस के अलावा कोई एक और लेंथ है जो उनकी इक्वल है, वो उसकी हाइट भी हो सकती है, बेस भी, दोनों ट्राइंगल के अगर सेम है, तो ऐसे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपको मालूम है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बता सकते हैं। तो डेफिनेटली दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल ओ क्यू पी ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, और ये हो गया हमारे पास ओ आर पी के। चलिए भाई, अब ये कॉन्ग्रुएंट तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्यू पी होगा वो आर पी के इक्वल होगा, क्यू पी आर पी के इक्वल। तो सबसे पहली बात, क्यू पी इक्वल टू आर पी, ये क्या आ गया बच्चों? बाई सी पी सी टी, ये तो आपके पास सी पी सी टी से ये आ गया, ठीक है बच्चों, कि क्यू पी आपके पास आर पी के इक्वलेंट होगा, ठीक है बच्चों, सी पी सी टी से ये हमको निकल के आ गया। दूसरी पॉइंट अगर हम यहां पर देखें, क्यू पी इक्वल टू आर पी, अब ये तो चीज निकल के आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है बच्चों। अब यहां पर ध्यान समझना, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब कि ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये बेसिकली चीज यहां पर हमको और ज्यादा सीखनी है। तो यहां तक समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, अब ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया थ्योरम का कि जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी, तो क्यू पी इक्वल टू आर पी आ गया। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि भाई ये जो ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये एंगल पी को बाइसेक्ट भी कर रही है, और ओपी जो है वो एंगल ओ को भी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड एंगल ओ, एंगल ओ और एंगल पी दोनों का ही एंगल बाइसेक्टर है। ये बात ध्यान से समझ रहे हो, एकदम ऑब्जर्व कर पा रहे हो इन चीजों को, क्योंकि ये ऑब्जर्व करोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, आप बहुत अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट यहां पर नोट कर सकते हो, तो इधर से आप रिजल्ट नोट कर सकते हो कि रिजल्ट में और क्या निकल के आ रहा है कि भाई जो एंगल क्यू पी ओ है, जो एंगल क्यू पी ओ है वो इक्वल टू होगा आर पी ओ के, आर पी ओ के, और बच्चों जो एंगल आपके पास क्यू ओ पी होगा, क्यू ओ पी होगा, वो इक्वल टू होगा किसके? एंगल आर ओ पी के, एंगल आर ओ पी के, ठीक है बच्चों। तो क्यू पी ओ, क्यू ओ पी हमारे पास आर ओ पी के इक्विवेलेंट आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो ये दो चीजें हमको और यहां से क्लियर हो गई, क्यू पी ओ आर पी ओ के इक्वल, क्यू ओ पी आर ओ पी के इक्वल। क्लियर? कोई डाउट यहां पर? सिंपल है, बढ़िया। अब अगर हम यहां पर देखें नेक्स्ट में, ये जो आपको नजर आ रहा है ओ क्यू पी आर, ये क्या नजर आ रहा है? ये क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, ओ क्यू पी एंड आर, देखिएगा ओ क्यू पी आर एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए तो जो एंगल क्यू है और एंगल आर है, ये दोनों 90-90 डिग्री के हैं, तो आपको मालूम है कि भाई एंगल पी प्लस में एंगल ओ प्लस में एंगल क्यू और प्लस में एंगल आपके पास आर, ये क्या होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों? आपको मालूम है एंगल क्यू भी 90, एंगल आर भी 90, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ की अगर हम बात करें तो 90 प्लस 90 180, और 360 में 180 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? बेसिकली ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यानी कि यहां से आप एक और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ रहा है कि भाई एंगल पी और एंगल क्यू, मतलब एंगल पी और एंगल ओ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल्स होंगे बच्चों? सप्ली
सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए ये हमारे पास और निकल के आएंगे, एंगल QPR एंड QOR आर सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं बात करूं ये भी चीज आपको इधर से निकल करके आ गई, ठीक है, क्योंकि OQPR एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास टेंजेंट पॉइंट पर बन रहे हैं, तो ये दोनों 90-90, और तो 90-90 180, 360 में से 180 माइनस कर दो तो 180, तो एंगल P प्लस O, P एंड O का सम, तो एंगल QPR एंड QOR आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों, ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं यहां पर कि भाई सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में लॉन्ग में दिया गया है, ठीक है बच्चों, 4 मार्क्स के लॉन्ग में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है बच्चों। तो बस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है हमारे पास उनको, तो ये जो एंगल्स है ना बच्चों, यानी कि हम यहां पर अगर बात करें, यहां पर मतलब इसने ये बोला कि भाई ये सप्लीमेंट्री होंगे, उन्होंने ये बताया कि अगर मैं ये बोलूं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है जिसको हम कॉर्ड बोल रहे हैं, ये जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर, है ना, तो ये जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर ये सप्लीमेंट्री है। तो बेसिकली ये चीज आपको यहां पर पूछ भी लिया और डायरेक्टली भी आप इस चीज को देख पा रहे हैं, क्लियर है बच्चों। तो यही चीज पूछ लिया आपको यहां पर थ्योरम में कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कि अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो ज्वाइन करूंगा तो QR बनेगा, और QR सेंटर पर कितना एंगल क्रिएट करता है, ये पूरा एंगल, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये क्या होगा बच्चों आपके पास सप्लीमेंट्री होगा, जो कि अभी मैंने आपको यहां पर प्रूफ करके दिखाया कि एंगल QPR एंड QOR बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्लियर हो गया, आगे समझ में कॉन्टेक्ट पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया यहां पर क्या है। चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चों, आई होप सबको क्लियर है, ओके अब मूव करते हैं अगले पार्ट पर। ये भी क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में बच्चों पूछा गया कि फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्किल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इफ ओपी इक्वल टू, OP हमारे पास बच्चों 2R गिवन है, कितना गिवन है, OP इक्वल टू 2R गिवन है, देन फाइंड एंगल APB, तो हमको एंगल APB फाइंड करना है, कितना APB, तो ये पूरा एंगल हमें यहां पर फाइंड करना है कि एंगल APB क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो APB एंगल आपको निकालना है, दूसरा व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB, अगर मैं ट्राइंगल APB की बात करूं तो किस टाइप का ट्राइंगल होगा यह भी आपको बताना है। तो लेट सपोज बच्चों, सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करूं तो एक छोटा सा काम करते हैं, देखिएगा ये वाला जो एंगल है इसको मैं थीटा कंसीडर करूं, ध्यान समझिए, अगर मैं इस एंगल को बोलूं कि ये एंगल आपके पास थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी आपके पास कितना होगा, थीटा, तो थीटा प्लस थीटा पूरा एंगल एपीबी आपके पास क्या बन जाएगा, एंगल एपीबी हम लिख पाएंगे 2 थीटा के। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, अगर आप यहां पर देख पा रहे हो इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, राइट एंगल ट्राइंगल OAP में एंगल A आपको मालूम है कि ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है, OAP में एंगल A आपका 90 डिग्री है। अगर आप यहां पर देखो तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपके पास ये क्या होगा, R परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, और ये जो OP है ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, OP क्या होगा, OP हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OA परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब कि PO, तो OA की लेंथ कितनी होगी, R होगी, OP की लेंथ हमारे पास 2R होगी, R से R कैंसिल आउट, 1/2 हमको निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेटली साइन थीटा अगर 1/2 तो ये साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 आपको मालूम हो गया साइन 30 डिग्री की, तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा की वैल्यू हमको 30 डिग्री यहां पर निकल करके आपकी आ गई। तो थीटा अगर 30 डिग्री हो गया तो आप बता सकते हो कि एंगल एपीबी हमारे पास 2 × 30 डिग्री, मतलब कि 60 डिग्री हो गया, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अब देखना
ये वाला एंगल आपका पूरा का पूरा एंगल बन गया आपका कितना 60 डिग्री का। चलिए आपको मालूम है कि सिंस जो एपी है यानी कि जो पीए है वो पीबी के इक्वल है, तो जो पीए है वो पीबी के इक्वल है, और अगर पीए पीबी के इक्वल है तो डेफिनेटली जो एंगल हमारे पास पीए का अपोजिट एंगल पीबीए होगा, एंगल पीबीए वो इक्वल टू होगा पीबी का अपोजिट एंगल पीएबी के, पीएबी के। अब आप बताइए ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो अब आप बताइए इसको x प्लस 60, तो ये x और x ये भी कितने कितने आ जाएंगे, ये भी 60 और ये भी 60, ये दोनों दोनों भी हमको 60-60 आ जाएंगे क्योंकि ये भी इक्वल है और ये वाला 60, तो तीनों एंगल्स अगर 60-60-60 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास एपीबी है, एपीबी ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल होगा बच्चों? ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो यानी कि एपीबी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्लियर है कैसा ट्राइंगल होगा बच्चों? एपीबी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? एपीबी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। चलो समझ लो यहां पर कॉन्सेप्ट, क्लियर है एकदम? बहुत ही बढ़िया, तो इस तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो एपीबी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपके पास कैसा ट्राइंगल है? एपीबी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए ऑल क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एंगल 60 और इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में पूछा गया कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू के टू टाइम्स होगा। बहुत ही आसान सा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दो मिनट के अंदर इसको हम सॉल्व कर देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए छोटा सा काम मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा एक काम करो ना भाई, ओ को क्यू से भी ज्वाइन कर लो। अब आपको मालूम है कि जो ओपी होगा हमारे पास, ओपी और ओक्यू ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि ये आपके रेडियस है, ये क्या होंगे आपके रेडियस है। तो अगर ओपी और ओक्यू दोनों अगर आपके रेडियस है तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ओपी का अपोजिट एंगल ओक्यूपी, जो एंगल ओक्यूपी होगा वो इक्वल टू होगा ओक्यू का अपोजिट एंगल ओपीक्यू के, ओपीक्यू के ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, अब समझिएगा, आपको मालूम है अगर मैं यहां पर ट्राइंगल ले लेता हूं OPQ, ट्राइंगल ले लेता हूं OPQ, तो OPQ ट्राइंगल में एंगल OPQ, समझिएगा एंगल OPQ प्लस में एंगल अगर मैं देखूं OQP, OQP और प्लस में एंगल POQ, प्लस में एंगल POQ, इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा तीनों एंगल्स का सम, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से इन तीनों का सम 180। आपको मालूम है कि OPQ और OQP दोनों सेम है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, OPQ और OQP को सेम है तो OQP को भी OPQ लिख देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, टू टाइम्स एंगल OPQ और प्लस में एंगल POQ इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, नाउ अब आपको मालूम है कि भाई ये वाला एंगल ओ और ये वाला एंगल पी और एंगल ओ ये दोनों कैसे एंगल्स होते हैं, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपको मालूम है कि भाई एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू और प्लस में एंगल पी ओ क्यू, प्लस में एंगल आपके पास पी ओ क्यू, ये दोनों 180 डिग्री होते हैं, सप्लीमेंट्री है तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अगर अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को यहां पर अगर मैं ऐड कर देता हूं, सॉरी इक्वल, देख सकते हो ना दोनों के RHS अगर हमारे सेम है तो LHS भी सेम कर सकते हैं, तो दोनों को अगर मैं फ्रॉम 1 एंड 2 देखूं तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स एंगल OPQ प्लस में एंगल POQ इक्वल टू हमारे पास एंगल पी टी क्यू और प्लस में एंगल पी ओ क्यू,
POQ दोनों साइड कॉमन आ गया तो कैंसिल आउट, तो एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है बच्चों? ये हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड, ये हमारे पास बच्चों प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। क्लियर? तो एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ ये हमारे पास प्रूफ हुआ। जल्दी से सारे बच्चे नोट कर ले, मैंने कहा था ना कि 2 मिनट नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, क्या किया हमने, OQ को ज्वाइन करके ये दिखाया कि पहली बात तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, ठीक है, और ये दोनों साइड्स अगर आपकी इक्वल हैं तो क्योंकि रेडियस है तो इक्वल तो होंगी, तो यानी कि ये आपका यहां से निकल करके आया और ऐसे आपको ये चीज आ गई। क्लियर है 1 और 2 से? समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो गया? चलो अब बस इसको इक्वल करके प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चिंता करने की एक भी बात नहीं है, ठीक है, एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अच्छे से इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है बच्चों। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? चलिए अब आगे पर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, मतलब कि मैंने बोला ना कि सब्जेक्टिव पैटर्न पेपर पैटर्न है, तो ये मत समझिएगा कि जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में है वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो मतलब कि पैटर्न वही है लेकिन क्वेश्चन और भी बनते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या है बच्चों मैं लिख देता हूं यहां पर, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोले तो क्या है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, PQ आपके पास एक 8 सेंटीमीटर लेंथ की कॉर्ड है बच्चों ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ TP, टीपी की लेंथ हमें यहां पर फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों, टीपी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक चीज आप फील कर पा रहे हो कि ओके, यानी कि सबसे पहले अगर आप इस चीज को समझो तो दो, अगर मैं यहां पर ट्राइंगल लेता हूं, सबसे पहले समझिएगा कि एक तो आपके पास मालूम है कि हमने जो टी एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, तो एक बार ट्राइंगल मैंने ले लिया आपके पास PTR, कौन सा ट्राइंगल ले लिया PTR, एंड दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया आपके पास QTR, दो ट्राइंगल ले लिया QTR, ये दो ट्राइंगल ले लिए, एक PTR एंड QTR। अब अगर मैं ट्राइंगल PTR से बात करूं तो PTR हमसे क्या बोलेगा, सिंपल सी बात कि भाई जो आपके पास अगर हम यहां पर देखें तो आई थिंक ये तो हमारे पास इक्वल तो नहीं आ रहा, खैर क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं, हाँ पहली बार, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो PTR है हमारे पास, जो PTR है वो हमारे पास QTR के इक्वल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करिए तो इक्वल होंगे। दूसरा जो एंगल हमारे पास PTR है, जो एंगल हमारे पास PTR है वो एंगल हमारे पास QTR के इक्वल होगा, एंगल QTR के इक्वल होगा, तो PTR हमारे पास QTR के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद TR इक्वल्स टू TR है, TR इक्वल्स टू हमारे पास TR है, ठीक है बच्चों। तो PT इक्वल्स टू QT हो गया, PTR इक्वल टू QTR हो गया, एंड TR इक्वल टू TR हो गया। तो बाई अगर आप यहां पर देखो तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यहां पर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हो रहा है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल आपको क्या बोलता है कि दो ट्राइंगल, ठीक है, SAS मतलब कि साइड एंगल साइड, दो ट्राइंगल जिनकी अगर मैं बात करूं एक साइड दो करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, उसके बीच में आने वाले के एंगल भी इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मतलब कि ट्राइंगल आपके पास जो PTR हुआ वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल आपके QTR के, यहां पर कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया आपके अप्लाई हो रहे हैं, ये भी हमें यहां पर सोचना है, ठीक है बच्चों। अब PTR QTR के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है बच्चों। अब अगर ऐसा कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से आप क्या बोल पाओगे, सिंपल सी बात कि जो PR होगा वो RQ के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों, यानी कि हम बोल सकते हैं PR आपका QR के इक्वल होगा,
अब लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गुएंस ट्राइंगल से पी आर आपका क्यू आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो पी आर आपका क्यू आर मतलब कि अगर ये पी क्यू हमारे पास कितना है, कॉल्ड पी क्यू की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो इतना पार्ट 4 सेंटीमीटर और इतना पार्ट इसका 4 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है यहां पर। अब आपको फाइंड क्या करना है, टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। अब यहां पर जो सबसे ध्यान से समझने वाला इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का पार्ट है, उस पर फोकस करते हैं। बहुत ही डीपली समझिएगा, एक ट्राइंगल बच्चों में ले रहा हूं आपके सामने, ओ पी ओ आर पी को, ट्राइंगल क्या ले रहा हूं बच्चों, ओ आर पी को। आप देख सकते हो कि ओ आर पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। क्यों राइट एंगल, एक चीज समझना कि अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम है कि सर्किल के सेंटर से वो लाइन जो सर्किल की कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है उस पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है बच्चों। ये बात समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ओ आर ने क्या किया, पी क्यू कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, तो ओ आर क्या होगा बच्चों, पी क्यू के परपेंडिकुलर होगा। क्लास नाइन्थ में आपने थ्योरम पढ़ी, ठीक है बच्चों, कि अगर कोई सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करे जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन ओ आर क्या होगी, वो लाइन सेगमेंट ओ आर आपकी कॉर्ड पी क्यू का परपेंडिकुलर होगी। वही चीज यहां से आ गया बच्चों, हम ये भी लिख सकते हैं यहां पर आपका, दिस विल इंप्लाइज दैट कि ओ आर जो होगा आपके पास, ओ आर ये परपेंडिकुलर टू होगा पी क्यू के, पी क्यू के परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है बच्चा, पी क्यू के परपेंडिकुलर। अब देखिएगा, तो ओ आर पी एक ट्राइंगल ले लिया और एक दूसरा ट्राइंगल ओ पी टी को ले लिया, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लिया आपने ओ पी टी को। अब देखिएगा, अब आप देख पा रहे हो एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, दोनों में कॉमन एंगल लिया आपने, और एंगल ओ आर पी इक्वल टू एंगल ओ पी टी, दोनों ही 90 डिग्री लिया। अब आप देख सकते हो कि बाई ए ए कॉन सिमिलरिटी रूल, बाई ए ए सिमिलैरिटी, बाई ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बच्चों, कि जो ट्राइंगल ओ आर पी है वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओपीटी के। अब यहां पर हमने दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिए, किसको, ट्राइंगल ओआरपी को एंड ओपीटी को, दोनों को सिमिलर दिखा दिया, तो ओआरपी बच्चों ट्राइंगल ओपीटी के आपके सिमिलर हो गया, क्लियर है। तो अगर ओआरपी ओपीटी के सिमिलर है तो आपको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओआर अपॉन में ओपी होगा वो आर पी अपॉन में पी टी के इक्वल होगा, और इक्वल टू होगा हमारे पास ओपी अपॉन में ओ टी के, ओपी अपॉन में ओ टी के। आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ टी पी फाइंड करना है, ठीक है, टी पी की लेंथ आपको फाइंड करना है। अब देखिएगा, अगर ये 5 है ये 4 है, तो डेफिनेटली ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। सिंपल, आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ये 5 है ये 4 है, तो RO की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है कि यहां पर RO हमारे पास कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है बच्चों। और OP की बात करें तो OP हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, OP हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और RP की अगर हम बात करें, RP ओके, RP की बात करें तो RP हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड करना है TP, चलो RP given है, TP find करना है, चलो। तो यानी कि इन दोनों को अगर आप ले लो, तो OR हमारे पास बन गया 3, OP हमारे पास बन गया 5, RP बन गया हमारे पास 4, और TP हमें लिखे रहने दो, तो TP equal to कितना आएगा, 5 4 जा 20, 20 upon में 3 सेंटीमीटर। तो TP की लेंथ 20 upon में 3 सेंटीमीटर निकल करके आ गई, समझ रहे हो। ट्राइंगल चैप्टर भले ही आपने पढ़ा है, नाइन्थ में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस ही पढ़ा, टेंथ में ट्राइंगल में सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा, सर्किल में तीनों चीजों का यूज हो गया, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया भी यूज हो रहा है, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया भी यूज हो रहा है, और उसके बाद आप टीपी की लेंथ निकाल के बता रहे हो कि हमारे पास 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बताओ, अच्छा क्वेश्चन है।
तो इससे रिलेटेड थ्योरम, मतलब एक रिजल्ट भी हमने देखा कि हर एक सीकेंड के रिस्पेक्ट में आपके पास एक ही ऐसा पेयर मिलेगा जो कि उस सीकेंड के पैरेलल होगा और वो टेंजेंट होगा हमारे सर्किल का, और ये जो इन टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होंगे ये डायमेट्रिकल एंड पर होंगे। ठीक है बच्चों, ये कहां पर होंगे? डायमेट्रिकल एंड पर होंगे। तो इस तरीके से आप ये इसके थ्रू समझ सकते हैं। देन बच्चों, अगर मैं बात करूं ये थ्योरम हमने डिस्कस की कि भाई सर्किल के सेंटर को उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो टेंजेंट उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो मतलब कि जो एक्स ओपी होगा वो आपका एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने थ्योरम भी डिस्कस करी। इसके बाद हमने कुछ रिजल्ट देखे कि किस सर्किल पर जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पर हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक टेंजेंट। ठीक है बच्चों, केवल केवल एक ही टेंजेंट एक पॉइंट पर हम सर्किल के ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से सर्किल पर इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर पॉइंट हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट एक सर्किल पे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हमने थ्योरम डिस्कस करी कि अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नल कोई पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी बच्चों, जैसे कि PQ एंड PR, तो दोनों ही टेंजेंट की जो लेंथ होगी बच्चों वो क्या होगी? आपकी इक्वल होगी। तो ये भी हमने आपका थ्योरम में डिस्कस किया। चलिए अब बच्चों इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया, आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस में CD इक्वल टू AD प्लस में BC। ये बच्चों हमें यहां पर प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए यहां पर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सर्किल आपको दिख रहा है, तो सर्किल के पॉइंट PQR एंड S पर आप देख सकते हैं टेंजेंट है हमारे पास AB, BC, CD एंड DA। ठीक है बच्चों, और PQRS क्या है? इन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो BP टेंजेंट है ये पॉइंट B से और BQ, तो जो BP होगा बच्चों वो आपका क्या होगा? BQ के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह एक्सटर्नल पॉइंट A से जो टेंजेंट आपके निकल रहे हैं वो AP और AS है, तो AP और AS एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक्सटर्नल पॉइंट D से टेंजेंट DR एंड DS आपके निकल रहे हैं, तो ये भी आपके पास इक्वल होंगे। और एक्सटर्नल पॉइंट C से CR एंड CQ दो टेंजेंट निकल रहे हैं, ये भी आपके इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी उसके बेसिस पर, यानी कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम थ्योरम नंबर 10.2। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करूं फ्रॉम थ्योरम 10.2 थ्योरम से अगर हम बात करें तो आप ये लिख सकते हैं बच्चों कि जो AP होगा वो AS के इक्वल होगा। AP आपके पास AS के इक्वल होगा, और यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है बच्चों, उसी के बाद अगर मैं यहां पर देखूं जो PB होगा वो BQ के इक्वल होगा। जो PB होगा बच्चों, है ना, जो PB होगा वो BQ के इक्वल होगा। चलिए ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। क्लियर, अब ध्यान से समझिएगा। यहां पर AP इक्वल टू AS लिख दिया आपने, PB इक्वल टू BQ लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहां से देखूं इक्वेशन 1 और 2 को एड कर दूं, 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो बनता है AP प्लस में PB इक्वल टू AS प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा? BQ। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, AP प्लस में PB आपके पास बन जाता है AB के इक्वल। तो इसको लिख दिया AB और ऐसे लिख दिया AS प्लस में आपके पास BQ। इसको सपोज करिए आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर आपका 3। इसको क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर आपने 3 बोल दिया। अब आगे पर मूव करते हैं, QC इक्वल टू CR, QC इक्वल टू आपने क्या कर लिया बच्चों? CR कर लिया। ठीक है सब, और ये इक्वेशन हो गया। एंड DS इक्वल टू आपने RD कर लिया। देखिएगा ये वाला इसके इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं कि DS इक्वल टू आपके पास क्या होगा? RD होगा। चलिए अब सपोज करो इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब अगर मैं 4 और 5 को ऐड कर दूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर दूं तो यहां से क्या बनेगा? ध्यान समझिएगा, अगर मैं 4 और 5 को ऐड कर दूं तो ये बनेगा हमारे पास CR प्लस में RD। ठीक है बच्चों,
इक्वल्स टू आप देखोगे तो क्यूसी प्लस में डीएस बनेगा, क्यूसी प्लस में आपका डीएस है, और सीआर प्लस में आरडी का मतलब आपका हो गया सीडी के, और ये बन गया आपके पास क्यूएस प्लस में आपके पास डीएस। दिस इज द इक्वेशन नंबर आपका, अगर मैं देखूं तो 6 बन गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर आपका मान लो 6 बन गया। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 को देखिए, ठीक है बच्चों, तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अगर आप देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 से अगर आप देखिए बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि जो डीएस होगा वो एएस के इक्वल है, ठीक है बच्चों। आपने यहां पर देखा कि जो हमारे पास, एक सेकेंड सॉरी, ये हमारे पास इक्वल हो गया बच्चों। अगर मैं 3 एंड 6 की बात करूं, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी। अच्छा, तो 3 एंड 6 को एड कर दो बेटा, अब क्या कर दो, हमें बेसिकली सम निकालना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 और 6 को हम ऐड कर देंगे। तो 3 पर आया था आपके पास ए बी और 6 पर आया था आपके पास सी डी, तो ये बनेगा बच्चों ए बी प्लस में सी डी इक्वल टू, और 3 पर है हमारे पास ए एस प्लस में आपके पास बी क्यू, और ये हमारे पास क्यू एस प्लस में आपके पास एस डी। चलिए, तो अब अगर आप यहां पर देखें तो क्या बनेगा, ए एस प्लस में एस डी ये मिलकर के बनेगा ए डी, बी क्यू प्लस में क्यू एस, एक सेकेंड सॉरी, क्यूसी होना चाहिए था वैसे, तो क्यू एस तो होना नहीं चाहिए था, क्यूसी होना चाहिए था, क्यूसी है ना, यहां पर बेटा क्यूसी होना चाहिए था ना, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं यहां पर, हाँ क्यूसी इक्वल टू सी आर, ओके ओके, यहां पर क्यूसी होगा बेटा, मैंने यहां पर गलत लिख दिया ना, इधर पर अगर आप देखो तो क्यूसी होगा, ठीक है, ये क्यूसी है हमारे पास, ठीक है। तो इधर पर हमारे पास बन गया आपके पास क्यूसी और ये भी क्यूसी, तो ए एस प्लस में एस डी मिलकर के बन गया ए डी, और बी क्यू प्लस में क्यूसी मिलकर के बन गया बी सी। तो क्या प्रूफ हो गया बच्चों, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, ये हमारे पास 3 एंड 6 को एड करने पर, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस में आपके पास बी सी, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर हमने क्या किया, पहले स्टेप नंबर देखते हैं कि एपी आपके पास ए एस के इक्वल है और पी बी आपके पास बी क्यू के, इन दोनों को ऐड कर दो, तो एपी प्लस में पी बी मिलकर के ए बी बनेगा, और ए एस प्लस में बी क्यू एज इट इज लिखे रह दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में हमने देखा बच्चों कि जो क्यू सी है वो सी आर के इक्वल है, और जो आर डी है वो डी एस के इक्वल है, तो यहां से अगर हम इनको वापस से 4 एंड 5 को ऐड कर दें, तो सी आर प्लस आर डी मिलकर के सी डी बन जाएगा, और ये आपके पास क्यू सी प्लस में डी एस बन गया, ठीक है बच्चों। अब क्या कर रहा है, 3 एंड 6 को, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, वो 3 था, 3 और 6 को ऐड किया, तो ए बी प्लस सी डी और ए एस प्लस में एस डी ए डी बन गया, बी क्यू प्लस में क्यू सी बी सी बन गया, तो हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है बच्चों, ये हमारा आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, क्लियर है, आगे समझ में। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया, क्लियर है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो हमारे सामने है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, लिख देता हूं यहां पर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या बच्चों, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है बच्चों, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है बच्चों, टू अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली हमारे पास दे दिया, प्रूव दैट एंगल एओबी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, जो एंगल आपके पास एओबी है वो क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री होगा, क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, तो एंगल एओबी आपके पास 90 डिग्री, ये हमें यहां पर प्रूव करना है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो एंगल एओबी आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री। आइए बच्चों अब क्वेश्चन को समझते हैं। चलो सबसे पहले अगर हम यहां पर क्वेश्चन में देखें तो ध्यान से समझते हैं क्या होगा, कि हमको यह प्रूफ करना है कि एओबी ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है,
देखो अब बेसिक सी चीजें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं उसकी हेल्प से समझते हैं इसको। अगर मैं एक छोटा सा यहां पर कंस्ट्रक्शन करूं, एक छोटा सा यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहां पर कर लिया, ठीक है बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों हमने यहां पर, ज्वाइन ओसी, ठीक है बच्चों, ज्वाइन ओसी, ओसी को बच्चों हमने यहां पर ज्वाइन कर लिया। अब अगर हम यहां पर देखें एक सिंपल सी बात, आपको मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट ए से टेंजेंट एपी एंड एसी ड्रॉ किए हुए हैं, और आपको यह भी मालूम होगा कि प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको जब ये थ्योरम पढ़ाई थी, थ्योरम नंबर 10.2, तो आपको यही सिखाया था कि भाई जो ट्राइंगल हमारे पास ओपीए होगा, जो ट्राइंगल हमारे पास ओपीए होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल हमारे पास ओसीए के, किसके, ओसीए के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करवाने के लिए कि ट्राइंगल ओपीए आपका ओसीए के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है बच्चों। और ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको मालूम है कि भाई अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, ठीक है, ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है, तो अगर ओपीए ओसीए के कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। लिख देता हूं यहां पर डायरेक्टली, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, ताकि सिंपल हो जाए थोड़ा सा सॉल्व करना। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली ध्यान से समझिएगा, सिमिलरली बच्चों अगर हम यहां पर देखें तो बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी क्यू एंड बी सी टेंजेंट ड्रॉ करें, तो सिमिलरली बच्चों जो ट्राइंगल आपके पास ओ क्यू बी होगा, जो ट्राइंगल आपके पास ओ क्यू बी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों ट्राइंगल किसके, ओ सी बी के ट्राइंगल के, ट्राइंगल ओ सी बी के आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। रीजन क्या उसके पीछे का, कि भाई आपको मालूम है कि भाई ये साइड ये हमारे इक्वल होते हैं, बेसिकली सब कुछ मैंने आपको बताया भी था। चलिए तो इसका मतलब जो एंगल 3 होगा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये भी लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। अब आपको मालूम है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एक ही लाइन पर सारे के सारे एंगल हैं, क्योंकि आपको यहां पर मालूम है बच्चों कि ठीक है एक्स वाई ने एक्स डैश वाई टू पैरेलल टेंजेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास यहां गिवन है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। अगर ये पैरेलल टेंजेंट्स है तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट पी और क्यू है ये डायमेट्रिकल एंड पर होंगे, ठीक है बच्चों। हम लिख सकते हैं यहां पर कि सिंपल सी बात है कि इसको समझिए, सिंस थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, आपको बहुत एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि आप जानते हैं कि सिंस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई लाइन आपके पास जो है वो एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है, क्या है बच्चों, एक्स वाई लाइन एक्स डैश वाई डैश के आपके पैरेलल है। तो अगर एक्स वाई लाइन एक्स डैश वाई डैश के आपके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई लाइन अगर एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई पॉइंट पी और क्यू कहां पर होंगे, डायमेट्रिकल एंड होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी क्यू होगा वो आपका डायामीटर होगा, पी क्यू क्या होगा बेटा, पी क्यू आपका डायामीटर होगा, और पी क्यू डायामीटर इस तरीके से, तो पी ओ क्यू एक लाइन हो गई, तो डेफिनेटली बच्चों हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू आपके पास कितना, 1 2 3 4, पूरा का पूरा एक लाइन बन रही है 180, जहां पर 1 इक्वल टू 2 है तो 2 टाइम्स एंगल 2 लिख लो, ठीक है बच्चों, और प्लस में 3 इक्वल टू 4 है तो 2 टाइम्स एंगल 3 लिख लो इक्वल टू 180, तो यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 90, और 2 प्लस 3 इक्वल टू 90 डिग्री अगर आपके पास आ गया, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दो तो 2 प्लस 3 90, तो डेफिनेटली आप देख पाओगे कि 2 प्लस 3 AOB है, हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो एंगल AOB आपके पास 90 डिग्री, और ये हमारा आंसर, क्लियर है बच्चों। तो एंगल AOB जो बोल रहा था वो क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री हमारा निकल करके आ गया। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, आ गया समझ में। तो इस क्वेश्चन से हमें यहां पर क्या सीखने को मिलता है, ठीक है बच्चों, यही हम बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि
एक्स वाई एंड एक्स डेफाइड है, अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स है तो डेफिनेटली, अगर कोई पॉइंट ए लिया इस टेंजेंट पर, दूसरा बी, तो ये जो थर्ड टेंजेंट होगी ये सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप ऐसे ऑब्जर्व करके लिख सकते हो अपनी कॉपी पर कि भाई अगर एक्स वाई साइडस आपके पास डायमीटर है और ए एंड बी कोई आपके पास डायमीटर पर कोई दो पॉइंट्स है जिनको ज्वाइन करने से एक नई टेंजेंट बनती है, तो ये जो टेंजेंट ए बी होगा ये सर्किल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। कितना? 90 डिग्री का। चलिए तो यहां से बच्चों क्लियर होता है, आई होप सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब बच्चों हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज जितने भी क्वेश्चन लेकर के आया हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से एक बार दोबारा से जाकर के सॉल्व भी करना है। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशली टर्म टू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों, स्पेशली टर्म टू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है बच्चों, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके मतलब हमने जो एक सर्किल को कंटेन करता है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो सर्किल की रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे दिया है। सच दैट सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर ऑफ द टेंजेंट 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी फिगर में आपको दिख रखा है, ठीक है बच्चों। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, हमको साइड ए बी और ए सी की लेंथ यहां पर फाइंड करनी है। क्या करनी है बच्चों? साइड ए बी और ए सी की लेंथ हमें यहां पर आपकी फाइंड करनी है। आइए बच्चों हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से समझिएगा, बेसिक सी चीजें, बेसिक चीजें आपका एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीजें निकल के आने वाली हैं। सबसे पहली बात, यह आपका सर्कमस्क्राइब सर्किल है, आपको मालूम है कि यह एक्सटर्नल पॉइंट सी है, तो टेंजेंट सी डी और ये कोई पॉइंट मान लो आपके पास ए बी सी, ये पॉइंट मान लो डी ई है बेटा, और ये कोई पॉइंट आपके पास मान लो एफ है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये 6 सेंटीमीटर तो सी एफ भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा, अगर बी डी 8 सेंटीमीटर है तो बी ई भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा। अगर हमें ए एफ और ए ई की लेंथ मिल जाए और ये भी इक्वल होगी, तो x और x सपोज कर लिया, ठीक है बच्चों, हमने ax को x सपोज कर लिया एंड ae को भी x ले लिया, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इक्वल होंगे। चलिए तो अब अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करिए, अब छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहां पर हम करेंगे, क्या ध्यान समझिएगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, हमको क्या करना है, o को हमने क्या कर दिया, e से मिला दिया और O को हमने F से भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चों, आपको मालूम है ये रेडियस 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है बच्चों, ये हमने पहली बार ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो O को आपने A से भी ज्वाइन कर देना है, O को हमें A से भी ज्वाइन कर देना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों, ज्वाइन OA OE OF, ठीक है, ज्वाइन OA OE एंड OF, ठीक है बच्चों, एंड उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो OC एंड OB, ठीक है, OA OE OF OC एंड आपके पास OD, चलिए इन सभी को बच्चों हमें ज्वाइन कर दिया, सेंटर से सबको हमने मिला दिया, सेंटर से हमने सभी को मिला दिया, ये इस पर परपेंडिकुलर सब कुछ आपको मालूम है। चलिए तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पूरे ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी प्लस में आपके पास ओएबी, प्लस में आपके पास ओएबी, ठीक है, और प्लस में आपके पास OAC, और प्लस में आपके पास कौन सा बच्चों, OAC, ठीक है। चलिए तो ये बेसिकली हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, OAB एंड OAC, ठीक है बच्चों, इन सभी के इक्वल आएगा,
ठीक है, इन सभी के इक्वल आएगा। क्लियर है बच्चों? ओबीसी, ओएबी एंड ओएसी, इन तीनों के हमारे पास इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, ओएबी एंड ओएसी। ठीक है, ये तीनों ट्राइंगल के सम के इक्वल होगा, ऑब्वियसली बात है ना। पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमारे पास ओएबी, ओबीसी, ओएसी ट्राइंगल के सम के इक्वल आएगा। अब देखिए, आप सभी ने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा हेरॉन्स फॉर्मूला। पढ़ा आपने, ये पढ़ा है आपने सभी ने हेरॉन्स फॉर्मूला। कुछ बच्चे इसको प्यार से हीरो का फॉर्मूला भी बोलते हैं। किसको? है ना, हेरॉन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। कुछ लोग इसको हीरो का फॉर्मूला बोलते हैं ना, हीरो, हीरो का फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, क्या होता है? कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? मालूम है कि अगर किसी ट्राइंगल के हमें साइड्स गिवन है, साइड्स की लेंथ मालूम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूले के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें हेरॉन्स फॉर्मूले से, तो क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट एस इंटू में आपके पास एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में आपके पास, एक सेकेंड वापस से लिख देता हूं, एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में आपके पास एस माइनस बी और इंटू में आपके पास एस माइनस में सी। ठीक है बच्चों, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए, एस क्या होता है यहां पर, एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। तो अगर सेमी पेरीमीटर की बात करें तो एस का मतलब होता है हमारे पास सिंपल सी बात, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में टू, ये हमारे पास एस की वैल्यू होती है। तो अगर एस निकालोगे तो एस क्या आएगा, देखो ए बी की बात करेंगे तो ए बी हमारे पास है एक्स प्लस में एट, कितना है एक्स प्लस में एट। बी सी की अगर हम बात करें तो सिक्स प्लस में एट हो गया, सिक्स प्लस में एट, ओके। और सी ए की बात करेंगे तो एक्स प्लस में सिक्स हो गया, एक्स प्लस में सिक्स अपॉन में टू। तो एस इक्वल टू कितना आएगा, देखो एक्स प्लस एक्स बन गया टू एक्स, ठीक है बच्चों, और एट प्लस एट सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर ट्वेंटी फोर अपॉन में टू, तो मतलब कि एक्स प्लस में फोर्टीन, ये आपके पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, एस की वैल्यू एक्स प्लस में 14 सेंटीमीटर हमको निकल करके आ गया, 14 सेंटीमीटर हमको एक्स की वैल्यू आपका निकल करके आ गई। चलिए, यानी कि यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इधर तक? ये एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर निकल करके आ गई। अब आपको एक बात समझनी है, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि अब एरिया अगर हम निकालें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो तो S की वैल्यू मालूम है कितनी, X प्लस में 14, अब S माइनस A, तो X प्लस 14 में से एक तो आपने 14 माइनस कर दिया, फिर X प्लस में 14 में से आपने क्या माइनस कर दिया, X प्लस को 6 को, तो माइनस X माइनस 6 कर दिया, एंड X प्लस में 14 में से माइनस X माइनस में 8 कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां से क्या बनेगा आपके पास, स्क्वायर रूट 14 से 14 कैंसिल, x इंटू में आपके पास x प्लस में 14, ठीक है बच्चों, और x से x कैंसिल, 14 माइनस में 6, 14 में से 6 माइनस किया तो कितना बन गया, 8 बन गया, और 14 माइनस से आपने 8 माइनस किया तो आपके पास कितना बन गया, 6 बन गया। तो ये आपके पास बन गया स्क्वायर रूट x प्लस में 14 इंटू में आपके पास 48x, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अभी आपने हेरॉन्स फॉर्मूले से इतना लिख लिया। ठीक है बच्चों, सपोज कर लो आपके पास पहला है इक्वेशन नंबर वन है। अब अगर आप देखो यहां पर, ये एलएचएस में हमने लिख लिया, आरएचएस में एरिया ओबीसी प्लस ओएबी प्लस ओएसी है, तो अगर मैं जानता हूं तो यहां से हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होगा वो इक्वल टू होगा, ध्यान समझिएगा, अब देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, समझिएगा यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसी और प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ओबीसी, ओएसी, ओएबी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास ओएबी,
अब देखना वन बाय वन देखते हैं, तो ये क्या बनेगा, वन बाय टू ओबीसी के लिए बीसी को बेस लेंगे जो कि 8+6 हमारे पास कितना बन रहा है, देखिएगा बीसी बेस हो गया और हाइट यहां पर ओडी लेंगे, हाइट हमने ओडी ले लिया। इधर पर देखिए 1/2 बेस यहां पर क्या लेंगे, बेस यहां पर एबी लेंगे, बेस यहां पर एबी लेंगे और इनटू में हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट हमारे पास ओई बन गया, हाइट हमारे पास ओई बन गया। प्लस में अगर मैं बात करूं 1/2 और इसमें अगर हम देखें बेस आपने एसी ले लिया, इनटू में आपका ओएफ ले लिया, एसी एंड ओएफ। ठीक है बच्चों, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये आगे पीछे लग गया है, ये वाला इसका एरिया लिखा है, ये वाला इसका एरिया लिखा है और ये तो सेम लिखा है। ठीक है, इसका एरिया इधर लिख दिया, इसका एरिया इधर लिख दिया, थोड़ा आगे पीछे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर आ जाओ सॉल्व करते हैं, तो 1/2 अब देखो बीसी की लेंथ कितनी है, 14, 8+6 14। ठीक है बच्चों, इनटू में ओडी, ओडी की लेंथ कितनी है 4, चलिए भाई प्लस में 1/2। एबी की लेंथ कितनी है, एबी की लेंथ है 8+x। ठीक है, और यहां पर आपके पास 4 है प्लस में, एसी की लेंथ कितनी है 6+x, कितनी है 6, ये आपके पास है 6+x और इनटू में आपके पास ओएफ है जो कि आपके पास कितना है बच्चों 4 है। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करिए तो ध्यान समझिएगा, ये बन गया आपके पास 28, ये बन गया आपके पास 2 × 8+x। ठीक है, और ये बन गया आपके पास 2 × 6+x। सॉल्व कर लो इसको। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या निकल के आ रहा है, देखो ये बनेगा आपके पास कितना 4x, ओके, एंड प्लस में 28, 16 एंड 12। ठीक है बच्चों, 28, 16 एंड 12, 8+2 10, 10+6 16, 2+1 4, 4+1 5 56। ठीक है, तो 4x प्लस में 56, यानी कि 4 कॉमन ले लो तो x प्लस में 14 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का दूसरा एरिया फॉर्म करके निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने यहां पर निकाला था जो कि हमारे पास ये आया है, और दूसरा आपने अलग अलग करके निकाला इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर मैं देखूं दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस में 14 इंटू में 48 टाइम्स एक्स इक्वल टू आपके पास 4 इंटू में एक्स प्लस में 14। अगर हम क्या कर दें यहां पर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का बच्चों अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बनता है, ये एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर इंटू में, सॉरी स्क्वायर अगर दोनों साइड का करेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 14 इंटू में 48 एक्स, और ये बनेगा 16 इंटू में एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। 16 से ये कैंसिल आउट 3 टाइम्स में, एक्स प्लस 14 से एक कैंसिल आउट, तो बना 3x इक्वल टू एक्स प्लस में 14, तो 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू यहां से आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए यहां पर AC की लेंथ क्या होगी, तो AC था 6+x, तो 6+7, सॉरी यहां पर लिख देता हूं AC इक्वल टू क्या था 6+x, तो 6+7 मतलब कि 13 सेंटीमीटर आ गया बेटा। और दूसरा अगर मैं बात करूं AB की बात करूं, तो AB था आपके पास 8+x, तो 8+7 आपके पास कितना बन गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AB और AC सब निकल के आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों, AB भी आ गया और AC भी आ गया, ये हमारे पास निकल करके आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो AB भी आ गया, AC दोनों की दोनों चीजें हमको निकल करके यहां पर आपकी आ गई हैं। आ गया समझ में, जल्दी से नोट करते चलना है। ठीक है, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेसिकली अगर देखा जाए, और लॉन्ग में अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग के फॉर्म पर पूछ सकता है, और आपको मालूम है कि इस पर लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आने के चांसेस हैं, इसके 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार आपको खुद भी प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर है बच्चों, चलिए समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए ओके सिंपल एंड दिस। चलिए
बढ़िया, आई होप सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास ये है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो सपोज करो ये आपके पास एक सर्किल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो अपने अंदर पर एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है। सेंटर मान लो बच्चों आपके पास यहां पर क्या है, सेंटर हमारे पास मान लो ओ है, सर्किल का सेंटर क्या बच्चों हमारे पास ओ है। हमें यह प्रूफ करना है कि भाई ए ओ बी जो होगा, ठीक है, और ये, ठीक है, हमें यह प्रूफ करना है बच्चों यहां पर प्रूफ दैट ए ओ बी प्लस में आपके पास सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये बच्चों हमें यहां पर प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। हमें ये प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्या होता है सप्लीमेंट्री का मतलब, कि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करते हो, ये आपको बोलना है, क्लियर है बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, आपने छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहां पर क्या कर देना है, आप ऐसे कर दो छोटा सा काम, सिंपल सा, कि आपने सपोज करो ये आपके पास कोई ए बी सी डी हो गया, ये कोई पॉइंट डी है, ये कोई पॉइंट ई है, ये कोई पॉइंट आपके पास डी ई एफ, और ये कोई पॉइंट आपके पास, एक सेकंड रुक जाना, ए बी सी डी तो नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट हमारे पास है, चलो इसको मान लो जे, ये बोल दो के, ये बोल दो एल, ये बोल दो एम, ठीक है बच्चों। सिंपल सा काम, आपने क्या कर दिया, ओ को एम से, ओ को के से, ओ को जे से, और ओ को एल से, ठीक है बच्चों। हमने छोटा सा काम यहां पर किया, क्या ज्वाइन ओ जे ओ के ओ एल एंड ओ एम, इनको बच्चों हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, ये सपोज करो अब एंगल यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, अब यहां पर कुछ एंगल्स की नेमिंग कर रहा हूं, इसको बोल दिया एंगल वन, इसको बोल दिया एंगल टू, ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको बोल दिया एंगल थ्री, और इसको बोल दिया एंगल फोर, ठीक है, उसके बाद इसको बोल दिया एंगल फाइव, और इसको बोल दिया एंगल सिक्स, एंड देन बच्चों हमने इसको बोल दिया एंगल सेवन, और इसको बोल दिया एंगल एट, ठीक है बच्चों। आप ध्यान से समझिए, आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आप फील कर पा रहे होंगे कि भाई 1 2 के इक्वल है, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के इक्वल होगा। रीजन क्या उसके पीछे का सोच के बताओ, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ए से ए जे एंड ए एम दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। तो भाई अब आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां पर सीधे हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान समझिएगा कि जो एंगल वन होगा वो एंगल टू के इक्वल होगा, एंगल थ्री आपके पास एंगल फोर के, ओके, एंगल फाइव आपके पास एंगल सिक्स के इक्वल होगा, और एंगल सेवन आपके पास एंगल एट के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। ये आपको डायरेक्टली समझ में अब आना चाहिए, आप इसको डिस्क्राइब करके लिखोगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि बाहर से ये बन रहा है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि सारे के सारे सेंटर पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं इन सभी का सम, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये सबका सम 360 होता है। सबका सम क्या होता है, 360 होता है। तो आपको मालूम है कि 1 और 2 आपके इक्वल है, ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस में, आपको मालूम है कि 3 और 4 इक्वल है तो हम लिख सकते हैं उसको 2 टाइम्स एंगल 4। उसके बाद आपको मालूम है कि 5 और 6 इक्वल है तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 5, और यहां पर आपको मालूम है कि 7 और 8 इक्वल है तो लिख सकते हो आप यहां पर 2 टाइम्स एंगल 8 इक्वल टू 360। चलो 2 2 2 डिवाइड कर दो तो 1 प्लस में आपका, देखो 1 और 8 को साथ में लिख लो तो 1 प्लस में 8 बन गया, ओके, 4 प्लस में आपका 5 बन गया, ठीक है, इक्वल टू आपके पास 2 से डिवाइड कर दो तो 180 चला जाएगा, ठीक है बच्चों। 1 प्लस में 8 क्या बना, 1 प्लस में 8 बना एंगल ए ओ बी,
और प्लस में 4 प्लस में 5 क्या बना? एंगल COD. तो AOB प्लस में ये AOB है बेटा और ये COD है. ये कितना आ गया बेटा? 180 डिग्री के इक्वल आ गया. कितना आ गया बेटा? 180 डिग्री के प्रूफ इक्वल आ गया और ये हमारा प्रूफ हो गया. Hence proved. तो ये मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में भी समझाया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ये सारी चीज जो मैंने लिखी है क्यों लिखी है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार बताया कि भाई 1-2 के इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं. तो 1-2 के, 3-4 के और 5-6 के, 7-8 के, ये इक्वल इक्वल थे. ठीक है, सबको ऐड कर दोगे तो कंप्लीट एंगल 360 होता है. तो एक सेकेंड रुकना, यहां पर कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? रुकना, एक सेकेंड बेटा. हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है. 2 times angle 1 लिखोगे यहां पर, ओके. 2 times angle 4 लिखोगे, 2 times angle 5 लिखोगे और 2 times angle 8 लिखोगे. ठीक है, तो 1 plus 8 मिल जाएगा आपका. ठीक है, और 4 plus 5 180, AOB plus COD 180 डिग्री. तो ये कंप्लीट होता है. क्लियर है बच्चों? तो ये वो क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से. तो आपका अगर मैं बात करूं तो सर्कल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरा का पूरा चैप्टर 2 lecture में हमारा फिनिश है. आप इस 2 lectures को अच्छे से सेव करके अपने पास प्लेलिस्ट में रख लेना. जब भी आपको रिवीजन करना होगा ना, इन 2 lectures को देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में इस चैप्टर से पूरे मार्क्स अचीव करके आएंगे, ये गारंटी है मेरी. तो इस बात को याद रखना है कि अच्छे तरीके से इन चीजों को सेव करके अपने प्लेलिस्ट में कहीं पर डाल करके रख लो. ठीक है बच्चों? और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और प्रीवियस लेक्चर पसंद आया है तो दोनों ही लेक्चर्स को लाइक जरूर से करिएगा और हमारे डॉक्टरेट के CBSE 910 वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा. थैंक यू सो मच बच्चों. तो अब हम क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक रखेंगे छोटा सा आपका नॉलेज टेस्ट इसी चैप्टर पर बेस्ड. तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.